हेलो बच्चों, आज अपनी स्टार्ट करेंगे समांतर श्रेणी क्लास 10th का जो पांचवी प्रश्नावली हुआ है वो टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। ठीक है, उसको अपने क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अपने कर रहे हैं 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कुछ भी नहीं है वैसे, थ्योरी वाला। अपने क्वेश्चन करते हैं सेकेंड से स्टार्ट। ठीक है, जो मैथमेटिक्स क्वेश्चन है वो करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एपी के प्रथम चार पद लिखिए, यानी जो एपी है के प्रथम चार पद लिखने, कितने पद, चार पद लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है एपी के प्रथम चार पद लिखो। प्रथम पद जिसे अपने बोलते हैं ए, वह सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर जिसे बोलते हैं डी, दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा है, ए की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 10, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, भी 10 दी हुई है। तो प्रथम चार पद याद करने, प्रथम चार पद का मतलब होता है, यानी एपी का मतलब होता है एक समांतर श्रेणी होती क्या है, जैसे चार पद करने हैं, यानी A1, A2, A3 और A4 ज्ञात करना है। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन में शुरू में कह दिया कि एपी है, एपी का मतलब होता है सार्व अंतर समान। A1 होता है वही A का मान है, यानी A1 का मान कितना दिया हुआ है, 10। अपने को A2 निकालना है, A2 क्या होता है, A1 प्लस डी होता है, यानी A2 निकालते हैं, A1 प्लस डी, A2 निकाला, A1 कितना है 10, D का मान कितना है 10, तो A2 कितना आ जाएगा अपना, 20 आ गया। यानी A2, यानी ये पहला मान 10 दिया होता, दूसरा मान कितना आ गया, 20 मान आ गया। ठीक है, फिर ज्ञात करते हैं A3 क्या होता है, A2 प्लस डी, A2 कितना है 20, D का मान कितना है 10, तो A3 कितना हो गया 30। इसी तरह A4 निकालेंगे, A4 होता है A3 प्लस डी, जैसे करते जाएंगे मान आएगा, A3 30 निकाले, डी का मान है 10, तो A4 कितना आ गया अपना, A4 का मतलब होता है 40। तो समांतर श्रेणी क्या है, 10, 20, 30, 40। हमेशा ध्यान रखना, जो भी समांतर श्रेणी होगी उनमें जो डिफरेंस होगा वो समान होगा। देखो 10 से 20 गया, 20 से 30 गया, 30 से 40 गया, मतलब सभी में समान आ रहा है। ठीक है, तो ये है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, -2, और डी की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 0। तो अपने को ए की वैल्यू होती है वो A1 होता है। ठीक है, तो A2 ज्ञात करेंगे, A2 क्या होता है, A1 प्लस डी, A1 कितना है, -2 प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया, -2। A3 क्या होगा, A2 प्लस डी, A2 कितना है, -2, डी का मान कितना है, 0, तो क्या, -2। और A4 भी सेम आएगा, A3 प्लस डी, यानी 0 की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू 0 है, तो सभी का मान, तो वो समांतर श्रेणी -2, -2, -2, -2, इस तरह वो समांतर श्रेणी के आगे चलती जाएगी। ठीक है बच्चों, ये है अपना फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। फिर मैं लेके आती हूँ जो सेकंड क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है, थर्ड क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू कितनी है अपने को, 4 दी हुई है, और डी की जो वैल्यू दी हुई है वो -3 दी हुई है, यानी जो ए की वैल्यू वो A1 है। A2 ज्ञात करना है, A2 होता है A1 प्लस डी, A1 कितना है, A1 है 4, डी का मान कितना है, माइनस, तो कितना हुआ, 1 आया। A3 क्या होता है, A2 प्लस डी, A2 कितना निकाला है अपने ने, 1, डी का मान कितना है, -3, तो आंसर कितना आया, -2। A4 कैसे निकाल देंगे, A3 प्लस डी, A4 कितना है, A3 कितना है, -2, और डी का मान कितना है, -3, टोटल कितना हो गया, 5। तो समांतर श्रेणी क्या है, पहला A1, सेकंड A2, A3 और A4, ये क्या है अपनी समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ आया, ये था थर्ड क्वेश्चन। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में A की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, -1, और जो D की वैल्यू दी हुई है वो 1/2 दी हुई है। ठीक है, तो यानी A2 निकालेंगे, A1 प्लस डी, A1 का मान कितना है, -1, और डी का मान कितना है, आधा, यानी 1 में से आधा गया, -1 में से, तो क्या बचा, -1/2 बचा। एलसीएम लेके करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, अपने डायरेक्ट करेंगे तो यह, A3 क्या होता है, A2 प्लस डी, A2 कितना है, -1/2, और डी का मान कितना है, +1/2, दोनों कट के कितना आया, 0। और A4 क्या है, A3 प्लस डी, A3 कितना है, 0, और D का मान है आधा, तो कितना हुआ, आधा। तो वो समांतर श्रेणी क्या है, -1, 1, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1, अगर इसको करेंगे फिर 1 आएगा, फिर 1/2 डेढ़ का होता है, 3/2, फिर आएगा 2, फिर 5/2, इस तरह ही समांतर श्रेणी क्या है, आगे जितना करते जाएंगे वो उतनी ही उसकी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कहीं डाउट हो
तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, अगर नहीं समझ आए तो मैं अपना जो पढ़ाने का जो पैटर्न है वो भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तुम्हें इसका मतलब है, तुम्हें समझ आना चाहिए कोई भी टॉपिक। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.25 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 0.25, यानी ए टू निकालना है। ए वन प्लस डी, ए वन कितना दिया हुआ है माइनस का 1.25, फिर डी का मान यहाँ पे क्या होता है प्लस आता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या दिया माइनस, तो अपने लिखेंगे प्लस और माइनस माइनस हो, टोटल कितने होंगे माइनस का 1.50, ठीक है। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए टू प्लस डी, ए टू कितना है माइनस 1.5 माइनस 0.25। अब तुम सोचोगे कि यहाँ पे प्लस आता है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, आगे वाला माइनस, प्लस और माइनस क्या हो गए माइनस हो गए ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1.75। इसी तरह ए फोर, ए थ्री प्लस डी, ए थ्री कितना है माइनस 1.75 और इसका मान मान 0.5, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2.0। टू जीरो पॉइंट के बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो अपनी समांतर श्रेणी क्या है, माइनस 1.25, फिर माइनस 1.50, फिर माइनस 1.75, फिर माइनस 2.00। क्या सभी में डिफरेंस है, समान है, समान है, ठीक है। तो ये अपनी है समांतर श्रेणी का सेकंड क्वेश्चन के, ये पांच क्वेश्चन थे जो अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं लेके आ रही हूँ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन अपने ने कंप्लीट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है कि कोई भी एपी दी हुई है, यानी अपने को एपी एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद वह सार्व अंतर ज्ञात करो, सार्व अंतर ज्ञात करो, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3, 1, -1 और माइनस का 3। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस के 5, माइनस का 1, 3 और 7। ये दो क्वेश्चन हैं, दो दो क्वेश्चन मैं साथ लेके चल रही हूँ। क्वेश्चन में कहा है एपी है, एपी का मतलब है एक समांतर श्रेणी है, इसका मतलब सभी में डी का मान समान है। अगर क्वेश्चन में शुरू में एपी कहा है कि यह एपी है, एपी है, इसका मतलब सार्व अंतर समान होता है। सार्व अंतर को डी लिख सकते हैं, प्रथम पद को ए, ये ए वन होता है, ए टू, ए थ्री और ए फोर। अब देखो प्रथम पद कुछ है, तो प्रथम पद ए वन होता है, कितना है 3 है, ठीक है। इसी में प्रथम पद कौन सा है माइनस के 5 है, दोनों के प्रथम पद आ गए। अब अपने को निकालना है सार्व अंतर। सार्व अंतर डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं जी पीछे से स्टार्ट करो जी आगे, पीछे वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाते हैं। जैसे ए फोर में से ए थ्री गए, डी इजकल टू ए थ्री में से ए टू गए, डी इजकल टू ए टू में से ए वन गए। हमेशा ध्यान रखना जो समांतर श्रेणी है उसमें सभी में डी समान आएगा। क्वेश्चन में शुरू में ए पी दिया हुआ है तो अपने एक निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया कि पूछा कि क्या यह ए पी है, ए पी है, तब अपने को सभी के अंतर निकालने पड़ेंगे। अगर समान है तो ए पी है, वरना नहीं है। ए फोर, ए फोर कितना है माइनस का 3, यहाँ पे कौन सा निशान है माइनस का, ठीक है। आगे इसमें भी माइनस है, यानी माइनस को मैंने ब्रैकेट में रखा, माइनस और माइनस के 3, माइनस और माइनस प्लस क्या होगी, कितने बचे माइनस का 2, यानी डी कितना आया अपना माइनस का 2। अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में शुरू में दे दिया यह एक एपी है। अगर निकालने की चाहते हो तो निकाल लो, ए थ्री कितना है माइनस, फिर माइनस का निशान, और ए टू कितना है माइनस, ये माइनस है, प्लस और माइनस माइनस हो गया, कितने हुए माइनस के 2, सभी में समान है रहा, इसका मतलब ये, यानी जो प्रथम पद 3 है और सार्व अंतर कितने हैं माइनस का 2 है। इसी तरह इसमें निकालते हैं ए डी, डी में से 4 में से 3 घटाते हैं, मतलब 4 कितने 7, उसमें से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर डाउट है तो आगे निकाल के देख सकते हो, ए थ्री में से ए टू, ए थ्री कितने 3 माइनस, ठीक है, माइनस होता है लेकिन आगे वाला भी ये माइनस में दिया, तो माइनस और माइनस कितने हो गए प्लस हो गए, तो डी का मान कितना हो गया अपना, डी की वैल्यू होगी 4, ठीक है बच्चों। ये है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। इसी तरह मैं थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ लेके आई हूँ इसी क्वेश्चन का। अब अपने लेके आएंगे थर्ड क्वेश्चन और यहाँ पे लेके आएंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है। 9/3 और 13/3 ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। इसमें प्रथम पद कौन सा होगा 1/3, इसमें प्रथम पद कौन सा होगा 0.6, दोनों का प्रथम पद आ गया। अब निकालना है डी का,
डी का होता है ए फोर में से ए थ्री घटाते हैं, यानी 13/3 में से 9/3 गए। एलसीएम कितना आएगा 3, 13 - 9 यानी कितना आएगा 4/3, यानी डी का मान कितना आ गया 4/3। मैं सारे नहीं निकाल रही क्योंकि शुरू में कहा है एपी है तो इसलिए एक निकाले। इसी तरह इसमें डी इजकल टू ए फोर में से ए थ्री, ए फोर कितना है 3/9 में से 2.8 गए तो कितने बचे 1.1, तो यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। ठीक है बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अपने आगे वाली वीडियो में लेके आएंगे। जो समांतर श्रेणी वाला टॉपिक है ना वो बिल्कुल ईजी सा है, अगर समझ आया तो एक बार में समझ आ गया। ठीक है, ईजी सा टॉपिक है बिल्कुल। थैंक यू बच्चों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।